अदानी पर अमेरिका में मुकदमा दर्ज हुआ तो भारत की सियासत में भूचाल आ गया। बवंडर बाथ शेयर बाजार में भी देखा गया, जिसमें लाखों करोड़ रुपए निवेशकों के डूब गए। इन सब के बीच संसद का शीतकालीन सत्र भी सोमवार से शुरू होगा, जिसमें इस मुद्दे के गूंजने के आसार है। संसद का शीतकालीन सत्र आरंभ हो रहा है, क्या नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आप व्यक्तिगत तौर पर इस विषय को उठाएंगे लोकसभा? नहीं, देखिए हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी है एज एलओपी इस मुद्दे को उठाना। तो क्या फिर संसद का सत्र होगा और हंगामा अदाणी विवाद पर? विपक्ष के सवाल और नारे और नारों का जवाब नारे से, लेकिन क्यों? 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है, हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है, ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं, अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए। वो चंद नाम उनके पास है, चंद तरीका उनके पास है और उसी प्रकार से वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्षेप लगाने का प्रयास उनका रहता है। आप याद करिए, जिस प्रकार से एक सेंसेशनलाइज करने का प्रयास उनका रहता है, इस प्रकार से बोलते हैं जैसे पता नहीं पहली बार कोई सुन रहा हो, कितना बड़ा खुलासा हो रहा है। यूं तो आपको इस मामले में अगले कुछ दिन सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी ही ज्यादा सुनने को मिलने वाली, इसीलिए विवाद समझ लीजिए। अदानी विवाद अभी क्यों चर्चा में आया? क्योंकि न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में गौतम अदानी समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है। किस मामले में? आरोप, भारत में सोलर एनर्जी से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या देने की योजना बनाने का है। अगर रिश्वत भारत में देने या देने की योजना बनाने का है तो अमेरिका में केस क्यों? इसकी वजह अमेरिका का फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट है। दरअसल प्रोजेक्ट में अमेरिका के निवेशकों का पैसा लगा है और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध। अब सवाल ये कि अगर रिश्वत दी जानी थी या दी गई तो कहां पर? न्यूयॉर्क की अदालत के दस्तावेज के मुताबिक आंध्र प्रदेश, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ का नाम आता है। स्वाभाविक रूप से ये चारों राज्य जिसका जिक्र डॉक्यूमेंटेशन में सामने आया है, यूएस में सामने आया है, उन चारों राज्य में ना तो हमारे मुख्यमंत्री थे और ना ही हमारी समर्थित सरकार थी, कांग्रेस और उनके सहायक दलों की सरकार थी। जो भी इसमें इन्वॉल्व्ड है पकड़िए, और एंड में मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है, इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते। अमेरिकी कोर्ट के दस्तावेज के मुताबिक रिश्वत से जुड़े आरोप जिन राज्य और सरकारों के दौरान के हैं, उनमें आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की, तमिलनाडु में डीएमके की, ओडिशा में बीजू जनता दल की और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति का शासन था। जो राज्य सरकारें हैं और जो रिपोर्ट आई है, जो फैसला है, उसमें भी कई राज्य सरकारों की संलिप्ति है जिन्होंने ब्राइब ली है। तो क्या जो राज्य सरकारें हैं, चाहे वो कर्नाटक सरकार हो, तेलंगाना ने एमओयू साइन किया 2024 इकोनॉमिक फोरम में, क्या प्रोएक्टिव कदम लेके आप अपनी सरकारों को संदेश देंगे कि इन्वेस्टमेंट ठुकराया जाए? बिल्कुल 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 बिल्कुल, अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए और जो भी इस मामले में इन्वॉल्व है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई भी हो। हमने भी डॉक्यूमेंट्स देखे। जहां अभी आप सिर्फ दोनों तरफ से बयानबाजी सुन रहे हैं, इस पर सोमवार से बड़ा हंगामा संसद में दिखता है, तो फिर सवाल क्या 20 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में अडानी विवाद पर ही गर्मा गर्मी होती रहेगी?